हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सम ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब है जैसे इन यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, या डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 1.2 के हमारे 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर रह गए थे, तो एक्सरसाइज 1.2 को हम कंप्लीट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो देखिए 10th क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर ऑपरेशन ऑन सेट्स को देख सकते हैं। अगर नहीं आते तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इफ ए बी सी बी 3 सेट्स, इफ A is a subset of B and B belongs to C. Is it true that A belongs to C? If not, give an example. तीन हमारे ए बी सी कोई भी सेट गिवन है और A subset है B का, B belongs to C, मतलब B C से belong करता है और A C से belong करेगा या नहीं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले कोई भी एग्जांपल के तौर पर हम तीन सेट ले लेते हैं और तीनों सेट हमें कैसे लेने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों सेट हमें लेने हैं। तो ए सेट हम सबसे पहले मान लेते हैं 1 और 2, फिर बी सेट हमें ऐसा मानना है कि ए उसका सबसेट हो जाए, दे रखा है ना हमें ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो बी हमें ऐसा सेट मानना है कि ए क्या हो जाए, उसका सबसेट हो जाए। तो बी को हम 1, 2, 3 मान सकते हैं। सबसेट क्या होता है? ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होंगे। तो ए के 1 और 2 दो ही एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट बी के अंदर है, इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक सेट और रह गया हमारा सी। सी क्या मानना है हमें? सी सेट ऐसे मानना है कि बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी जो सेट है वो एक एलिमेंट की तरह सी के अंदर हो। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? किसी एलिमेंट का किसी सेट के साथ रिलेशन अगर हम दिखाते हैं तब बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। तो देखिए सी सेट को क्या मान लेंगे हम? 1, 2, 3 और 4। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? दो ही एलिमेंट है, एक तो पूरा एलिमेंट ये और एक 4, दो ही एलिमेंट है सी सेट के अंदर। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 1.2 का। तो सी सेट 1, 2, 3 तो टोटल एक ही एलिमेंट है और 4 इसका दूसरा एलिमेंट है। तो ये हमने 1, 2, 3 क्यों लिया? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि सी ऐसे है जो B belongs to C कर रहा है, मतलब B एक एलिमेंट की तरह C से belong कर रहा है। जैसे हमें अगर 2 A सेट के अंदर है ये लिखना है तो क्या लिखेंगे? 2 belongs to A सेट। 2 का A के साथ क्या रिलेशन है? 2 एक एलिमेंट है A सेट का, हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही B belongs to C, तो ये टोटल B सेट की वैल्यू हो गई ना हमारे पास 1, 2, 3 B सेट है ना ऐसे का ऐसे ही। तो ऐसे हम इसे हम क्या लिख सकते हैं? B belongs to C। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमें क्या चेक करना है? इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, क्या ए सी से बिलोंग करता है? अब हमें ये चेक करना है। तो ए के एलिमेंट है 1, 2, अब ये वैसे का वैसा सेट सी के अंदर होना चाहिए, सी के अंदर है वैसे का वैसा, ये तो कंप्लीट एक एलिमेंट है। कहीं 1, 2 देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 1, 2 तो इसके अंदर है इसका मतलब ए बिलोंग्स टू सी कर रहा है। नहीं, ए बिलोंग्स टू सी नहीं कर रहा, क्योंकि 1 और 2 तो अलग अलग एलिमेंट है और ये पूरा कंप्लीट एक ही एलिमेंट है। इसे हम अलग नहीं कर सकते कि 1, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, ये कंप्लीट एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट है तो 1 और 2 तो हैं। अगर सिर्फ और 1 और 2 होते तो ए बिलोंग्स टू सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3 कंप्लीट है। 1, 2, 3 है तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 है, तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए सी से बिलोंग नहीं करता। ये हमारा एग्जांपल भी हो गया साथ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सेट्स के अंदर आप अपनी मर्जी से चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है? ए इज ए सबसेट ऑफ फाई हमें गिवन है और क्या प्रूफ करना है? ए इज इक्वल टू फाई होगा। तो ए सबसेट है फाई का और ए सेट फाई के इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए पिछली जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई होगा वो ए का भी सबसेट होगा। एज वी नो आप क्या लिखेंगे? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, फाई इज
ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई किसका सिंबल होता है? नल सेट का, जो खाली सेट होता है वो। तो वो सभी सेट का क्या होता है? एक सबसेट होता है। इसका मतलब यहाँ पर ए जो सेट गिवन है हमें उसका भी सबसेट होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। और ए ऑलरेडी सबसेट गिवन है फाई का। अगर कोई भी दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ए सेट मैंने ले लिया 1 और 2। अब बी सेट मैंने ऐसे ही लेना है कि ए जो है उसका सबसेट हो जाए और बी भी ए का सबसेट हो जाए, तो 1 और 2 ही ले सकता हूँ। अब ध्यान से दोनों सेट्स को देखिए, दोनों सेम ही हैं। क्या लिख सकता हूँ मैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं लिख रहा हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, हैं ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर। अगर मैं लिख रहा हूँ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, तो बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों सेट क्या हैं? बराबर। तो ये बात आप याद रखेंगे, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी होगा। जो हमने इसके तुरंत बाद एक पढ़ी थी बात, वो क्या थी? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर एक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तब हमने इस रिजल्ट को प्रूव भी किया था कि दोनों सेट क्या हो जाएंगे? बराबर। तो दोनों सेट बराबर हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए भी तो लिख सकता हूँ, तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब वही से ये निकल के आया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो अब हम क्या कंक्लूजन पर पहुँचे कि ए सबसेट है फाई का और फाई ऑलरेडी सबसेट होता ही है ए का, तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी कम्प्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है? कोई भी दो सेट ए और बी हैं, पावर सेट ऑफ ए इक्वल दे रखा हमें पावर सेट ऑफ बी के, हमें दोनों सेट इक्वल प्रूफ करने हैं। मतलब सीधी सी बात है, क्या कभी भी अगर दो सेट्स के पावर सेट इक्वल होंगे तो वो सेट्स भी आपस में इक्वल होंगे? ज़रूर होंगे। देखिए इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। तो पावर सेट हमें इक्वल गिवन है, हमें सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है। चाहे हम उल्टा भी ले सकते हैं, दोनों सेट्स को हम इक्वल लेकर उनके पावर सेट्स को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, वो भी एक ही बात होगी। तो हम दो सेट्स को इक्वल ले लेते हैं, ऐसे में आसान भी पड़ेगा क्वेश्चन। दोनों सेट्स को इक्वल लेके उनके पावर सेट हम इजीली निकाल सकते हैं, और फिर देख लेंगे कि अगर पावर सेट इक्वल आएंगे तो दोनों सेट भी आपस में, हमारा रिजल्ट ही प्रूफ हो जाएगा। दोनों सेट आपस में इक्वल तो हैं ही ऑलरेडी, तो दो इक्वल सेट हम ले लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? ए सेट हमने ले लिया, छोटे छोटे सेट ले लेते हैं 1 और 2, और बी सेट दोनों इक्वल सेट लेने हैं, तो बी भी क्या लेना पड़ेगा हमें? 1 और 2। तो इक्वल सेट लेकर हम कौन सा रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं? दोनों के पावर सेट भी इक्वल होंगे, अगर दो सेट इक्वल होंगे तो। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले तो पावर सेट ऑफ ए पी ऑफ ए लिख लेते हैं। पावर सेट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जो सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो इसके सभी सेट पावर सेट के अंदर लिख देंगे, वही पावर सेट हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहला सबसेट फाई होता है, फिर उसके बाद क्या आएगा? 1, उसके बाद 2 आएगा, और उसके बाद 1 और 2 का पेयर। तो ये हमारा हो गया पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। टोटल दो एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 2 कितने बन गए हमारे सबसेट? 4। अब इसी तरह से पी ऑफ बी लिखेंगे, पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी वही एलिमेंट है सेम हमारे पास 1 और 2, तो पावर सेट ऑफ बी सबसे पहला फाई, नल सेट सभी का सबसेट होता है, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद पेयर 1 और 2 का। तो अब ध्यान से देखें, पी ऑफ ए में भी वही एलिमेंट है और पी ऑफ बी में भी वही एलिमेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? हमारा पावर सेट ऑफ बी के। ये चीज़ हमारे पास कब आई है? जब ए और बी दोनों को हमने इक्वल लिया, दोनों सेम सेट है ना, 1 और 2 सेम एलिमेंट है दोनों के अंदर। तो कभी भी दो सेट इक्वल होंगे तो उनके पावर सेट हमेशा इक्वल आएंगे, या कभी भी दो सेट्स के पावर सेट इक्वल होंगे तो हमेशा दोनों सेट्स भी इक्वल होंगे। ये बात आप याद रखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी होगी कंप्लीट। अब देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स।
तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में फर्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जो यूनियन इज स्ट्रेंथ, जिसकी जो कहावत है एकता में बल है। जैसे एक बूढ़ा होता है और उसके चार लड़के होते हैं, और जो बूढ़ा है वो लकड़ियों का गट्ठा लाने के लिए बोलता है और सभी लड़कों को एक एक लकड़ी देता है पहले, और एक एक लकड़ी को वो आसानी से तोड़ देते हैं, और उसके बाद जो वो गट्ठा बांध देता है और गट्ठे को तोड़ने के लिए बोलता है, तब वो गट्ठा उनसे नहीं टूटता। इसी तरीके से पहले तो जो लकड़ी थी उनको हम एक एक एलिमेंट अगर माने या एक एक सेट माने, और फिर उन लकड़ियों को बांध कर जो एक गट्ठा बना दिया लकड़ियों का, वो क्या होगा, यूनियन होगा। यूनियन आप नॉर्मली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर कोई भी दो सेट हमारे पास हैं ए और बी, और उनका यूनियन हमें लेना है, तो ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक सेट बना देंगे, वो क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट। तो चलिए मैथमेटिकल डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, फिर उसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और नॉर्मल एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन यूनियन के होंगे। तो देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट, इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। दो सेट्स का यूनियन, ए और बी का यूनियन, वो सेट होगा जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो या तो ए के होंगे या बी के होंगे या फिर दोनों के होंगे। अब यूनियन का सिंबल देखते हैं, उसके बाद नॉर्मली एक एग्जांपल दूंगा मैं जिसका, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हमें लिखना है ए यूनियन बी, तो हम ऐसे लिखेंगे। इसे रीड कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये यू का जो यू दिख रहा है ये यूनियन का सिंबल होगा, यू यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। अब हमें लिखना ए यूनियन बी, तो कैसे लिखेंगे यूनियन बी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, एक्स इज सच दैट आइदर आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स जो सेट है हमारा यूनियन वाला, उसके अंदर एक्स कोई भी एलिमेंट है और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, दोनों सेट के एलिमेंट उसके अंदर हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 और बी सेट हमारे पास है 3 5 7। अब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि दो सेट्स को मिलाकर एक बड़ा सेट बना दिया जाए, वो क्या होगा, यूनियन होगा। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला देंगे हम, 1 2 3 इसके अंदर हैं, 3 5 7 इसके अंदर हैं, तो 1 2 3 5 7 दोनों के एलिमेंट्स हमने मिला के लिख दिए, तो ये क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी हो गया। जो भी एलिमेंट दो बार होगा, ए सेट के अंदर भी होगा और बी सेट के अंदर भी होगा, उसे यूनियन के अंदर सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे 3 दोनों के अंदर था, तो यूनियन के अंदर हमने एक ही बार लिखा है, जो आप पहले से ही जानते हैं कि सेट्स के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करती, चाहे एक एलिमेंट को कितने बार लिखें उसे एक ही एलिमेंट माना जाएगा। तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये तो थी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोल लूँ कि ए सेट ऐसा है कि द सेट ऑफ ओड नंबर और बी सेट द सेट ऑफ इवन नंबर, तो दोनों का यूनियन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जो सेट है वो ओड नंबर का सेट है, बी जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारे पास। जैसे ए क्या है, ओड नंबर का सेट, ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 ऐसे ओड नंबर होते हैं, और बी सेट किसका है, इवन नंबर का, तो 2 4 6 ये इवन नंबर होते हैं, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर का सेट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को मिलाएंगे तो नेचुरल नंबर बनेंगे ना। तो एक एग्जांपल ये हो गया हमारे पास, ऐसे ढेरों एग्जांपल हैं यूनियन के।
अब कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं यूनियन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमेशा ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। चाहे हम ए सेट को आगे लिखें, चाहे हम बी सेट को आगे लिखें, उसके बाद यूनियन फाइंड आउट करें, हमारा रिजल्ट एक ही आएगा, ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे वही मैथमेटिकल वाली बात है, 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × 3, हमेशा दोनों क्या होंगे, 12 ही होंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी, और इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसे हम? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन सिर्फ दो ही सेट्स का नहीं होता, दो से ज़्यादा सेट्स का भी हो सकता है, हमें तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलाने हैं बस, उसके बाद यूनियन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी चाहे तो हम ऐसे निकालें, चाहे हम पहले ए यूनियन बी निकालें, उसके बाद जो सेट आएगा उसका यूनियन सी के साथ निकालें, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी हम करें, ए यूनियन बी यूनियन सी हम करें, तो दोनों रिजल्ट एक ही बात है। ए यूनियन बी पहले करें, चाहे बी यूनियन सी पहले करें, उसके बाद यूनियन ए के साथ करें, तो दोनों के अंदर सेम आंसर हमारा निकल के आएगा। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? एसोसिएटिव लॉ। अब नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इजी सी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। अगर मैं ए सेट का यूनियन ए सेट के साथ करा दूँ तो क्या आएगा? सेम सेट का यूनियन मैं अगर सेम सेट के साथ करवा रहा हूँ तो क्या आएगा? वही सेट आ जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें, ए सेट क्या है? 1 2 3 सिंपल सा सेट हमने ले लिया। अब इसी सेट का यूनियन इसी सेट के साथ कराना है, इसी सेट का यूनियन इसी सेट के साथ, ए यूनियन ए। तो ए यूनियन ए मैंने क्या बताया है आपको, जो भी एलिमेंट दो बार होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो दोनों का यूनियन कराने के बाद दोनों एलिमेंट दो दो बार हो गए तो क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 लिखा जाएगा, 1 2 3 लिखा जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है? ए सेट की वैल्यू है। तो ए यूनियन ए किसके इक्वल आएगा? हमेशा ए के इक्वल आएगा। इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, अगर मैं ए यूनियन फाई लिख रहा हूँ, ए यूनियन फाई, फाई मतलब नल सेट, अगर किसी भी सेट का मैं फाई के साथ यूनियन करूँ तो क्या आएगा? ऑटोमेटिक ए ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट होता नहीं, ए का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे तो ए के ही सभी एलिमेंट आएंगे, फाई तो खाली सेट होता, नल सेट होता, तो उल्टा आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए सेट ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है? अगर मैं ए सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करूं, ये तो है यूनियन का सिंबल और ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं ए का यूनियन करूं तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट कैसे आएगा? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बड़ा सेट। जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, और ए सेट हम लिख लेते हैं 2 और 3। सभी जो सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट। तो अगर हम अब लिखें ए यूनियन यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए आप, यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट आएंगे और ए के अंदर 2 3 हैं, ये भी आएंगे, 2 3 यूनिवर्सल के अंदर पहले से ही हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, यही हमारा आएगा आंसर। तो ए यूनियन यूनिवर्सल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ही हमारे पास होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट 2-3 प्रॉपर्टी और हैं, वो और देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद यूनियन हमारा हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम इंटरसेक्शन की तरफ पढ़ेंगे। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर अगर मैं आपको बोल दूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है? सबसेट है बी का, तब ए यूनियन बी क्या होगा? तब बताइए ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया हमारे पास? ए बी के अंदर लाई कर रहा है, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं, इसका मतलब अगर हम ए यूनियन बी करें तो वापस कौन सा सेट आएगा? बी, क्योंकि बड़ा इनमें सेट बी है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी के इक्वल। चाहे आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं,
जैसे मैं यहीं पे आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, ए वन टू और बी हमें ऐसे लेना है कि ए इसका सबसेट हो जाए, तो ए जो सबसेट ऑफ बी हो गया ना, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब अगर हम लिखें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट वन टू, बी के सभी एलिमेंट। अब वन और टू को दोबारा से नहीं लिखना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो बच गया कौन सा थ्री, तो वन टू थ्री कौन सा सेट है, बी सेट ही है, तो ए यूनियन बी वापस किसके इक्वल आ गया, बी सेट के इक्वल आ गया, तो ऐसे ही ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो बिल्कुल ईजी ईजी सी प्रॉपर्टी है। अब सेवन्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, ए सेट है, ये बी सेट है और ये है ए यूनियन बी, ए जो सेट है वो सबसेट है ए यूनियन बी का और बी है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का, ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर हैं वन और टू वन और टू, बी के भी सभी एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर हैं वन टू थ्री है ना। अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हों तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज, और बी भी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे, एग्जांपल से मैंने आपको ये भी समझा दी है। अब एट्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, इन प्रॉपर्टी से कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी, एर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी फाई के इक्वल कब हो सकता है, ये बताइए आप पहले, ए यूनियन बी फाई के इक्वल कब हो सकता है, मतलब अगर हम दो सेट का यूनियन करें तो वो खाली सेट कब आ सकता है, तो एक ही कंडीशन के ऊपर आ सकता है, ए भी फाई के इक्वल होना चाहिए और बी भी फाई के इक्वल, ए सेट भी खाली होना चाहिए और बी सेट भी खाली होना चाहिए, तभी दोनों सेट्स का यूनियन खाली सेट आएगा, नल सेट आएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी हमारी यूनियन की और यूनियन ऑफ सेट्स, आप समझ ही गए होंगे, दो सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर एक बड़ा सेट बना दिया जाए वही क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स होगा, और सभी एलिमेंट्स को हमें एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखिए क्या होता है, अगर कोई भी दो सेट्स हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल देके आपको मैं समझाऊंगा। तो इंटरसेक्शन का सिंबल देख लेते हैं पहले, तो सिंबल क्या होता है इंटरसेक्शन का, जो यूनियन का था उसी सिंबल को हम पलट देंगे, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा ऐसे। अगर हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, या क्या ये क्या हो जाएगा सिंबल, X is such that X belongs to A and X belongs to B। अगर कोई भी दो सेट हैं हमें उनका क्या लेना है, A intersection B लेना है, तो A intersection B किसके इक्वल होगा, उनके अंदर कोई A intersection B के अंदर कोई X एलिमेंट है, वो X एलिमेंट A से भी बिलोंग करता होना चाहिए और वो X एलिमेंट B से भी बिलोंग करता होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों, और का मतलब दोनों में से एक, जैसे यूनियन के अंदर क्या था, आइदर ए और बी, दोनों या दोनों में से एक, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों, एंड का मतलब और, जैसे मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू स्कूल, मोहन और सोहन दोनों स्कूल जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि मोहन अकेला जा रहा है, मोहन या सोहन में से एक जा रहा है, तो दोनों एंड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे दोनों होता है, और जहाँ पे आ जाए वहाँ पे दोनों में से एक, तो एंड और आगे भी आपका आएगा, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज होगा आगे वाले चैप्टर्स में। तो इंटरसेक्शन और यूनियन को आप ध्यान से समझ के चलिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स आएंगी उनके अंदर लगेगा, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के अंदर भी वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, उसकी जगह पर बस पी आ जाएगा। तो देखिए, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू बी, x एक ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट के अंदर भी है और बी सेट के अंदर भी है। अब इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर कोई भी दो सेट है उनका इंटरसेक्शन उनके कॉमन एलिमेंट का सेट होता है, क्या होता है, उनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स ए एंड बी,
ए और बी सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट का सेट क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो अगर मैं एग्जांपल ले, ए सेट हमारे पास है 1 2 4 7 9 और बी सेट हमारे पास है 2 7 8 12 14। अब हमें लिखना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखना हमें? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड बी। ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। बिल्कुल इजी सी बात है। तो कॉमन एलिमेंट छाट लेंगे, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है। अब और बाकी कोई कॉमन एलिमेंट है? 7 है और 7 है, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2, 7। ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या निकल के आ गया? 2, 7। तो ऐसे आप इंटरसेक्शन इजीली निकाल सकते हैं। अब यूनियन की तरह इंटरसेक्शन भी ए दो या दो से ज़्यादा सेट्स का हो सकता है। अब जैसे पिछले यूनियन के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था कि ए ऐसा सेट है, ए इज ए सेट ऑफ ओड नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर्स, एंड बी क्या था? सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये तो ओड नंबर हैं सभी, और ये क्या है? इवन नंबर हैं। इवन और ओड के अंदर कोई सेम नंबर होता है? नहीं होगा। मैंने पहले भी लिखा था, ए सेट क्या होगा? ओड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 ऐसे, और बी सेट इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे होंगे। अब ए और बी के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो ओड नंबर हैं और ये इवन नंबर हैं। तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी? खाली सेट आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा? 5। अगर कभी भी कोई भी कॉमन एलिमेंट दो सेट्स के अंदर ना हो, तो आप ए इंटरसेक्शन बी को किसके इक्वल लिखेंगे? 5 के इक्वल लिखेंगे। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कोई भी दो पॉइंट, जैसे पैरेलल लाइन हमारी, अगर मैं बोल दूं कि फाइंड अ कॉमन पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइन, तो वो क्या होगा? उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो बिल्कुल इजी इजी से ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब यूनियन की तरह ही इंटरसेक्शन की भी वही सेम सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी है, कौन सी है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि ए इंटरसेक्शन बी भी हमेशा बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, जैसे उसके अंदर था ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, ए इंटरसेक्शन बी करें हम चाहे तो पहले, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन सी, और चाहे हम पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, दोनों बात सेम ही होगी। अगर तीन सेट है हमारे पास ए बी और सी, तो हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो सेट निकल के आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि पहले बी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर जो सेट निकल के आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। तो दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी हैं। ये रिजल्ट तो होता ही है, बस ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आपको दिया जाएगा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी यूनियन के अंदर क्या थी? अगर सेम सेट का यूनियन सेम सेट के साथ करते हैं तो क्या आएगा? ऐसे ही अगर ए का इंटरसेक्शन मैं ए सेट के ही साथ करूं, तो क्या निकल के आएगा? सीधी सी बात है, ए सेट ही निकल के आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 1 2, फिर से ए सेट 1 2, ए इंटरसेक्शन ए, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 हैं, 1 2। तो ये किसकी वैल्यू है? ए की, मतलब ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा? वही सेट आएगा ए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए का इंटरसेक्शन अगर मैं 5 के साथ करूं तो क्या आएगा? यूनियन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ए यूनियन 5 किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा, क्योंकि उसके अंदर तो सभी एलिमेंट आ जाते हैं दोनों सेट्स के, लेकिन इसके अंदर दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन एलिमेंट आएंगे तो ए और 5 के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 तो खाली सेट होता है और ए के अंदर तो कोई खाली एलिमेंट होता ही नहीं। तो क्या होगा?
ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल आएगा, फाई के इक्वल आएगा, खाली सेट के इक्वल आएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ क्या कहती है, अगर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वो ए के इक्वल ही होगा। कैसे होगा ये भी एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट में लेता हूँ ए बी सी डी और ए सेट में ले लेता हूँ सी और डी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या आएगा, ए और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आएगा इंटरसेक्शन। तो सी और डी इसके अंदर भी हैं, सी और डी इसके अंदर भी हैं, तो कॉमन एलिमेंट सी और डी हैं, सी और डी। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन किसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू तो ए सेट की है तो ए सेट आ जाएगा हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए सेट के इक्वल आएगा। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये भी ए के ही बराबर होगा। जैसे ये ही देख लें आप, यूनिवर्सल सेट के सभी सबसेट होते हैं ना, तो यूनिवर्सल सेट का ए सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या आया, ए सेट। ऐसे ही ए हमने क्या ले लिया, सबसेट बी का, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, क्योंकि बी तो बड़ा सेट होगा और बी और ए के कॉमन एलिमेंट वही आएंगे, तो ए सेट ही आएगा हमारे पास। अब सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी वो इंटरसेक्शन की, उसके बाद इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारा कंप्लीट। सेवंथ प्रॉपर्टी, अगर हम हाँ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए होगा और ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, ये कैसे होगा, ये भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा क्योंकि ए के सभी एलिमेंट उसके अंदर होंगे जो कॉमन एलिमेंट होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट होगा क्योंकि बी के एलिमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट बी के अंदर होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट है हमारा, वही ए बी सी डी वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, और बी सेट है ए बी डी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी डी। अब आप ध्यान से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ए के सभी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हैं, ए के सभी एलिमेंट ए बी सी डी ए बी डी सॉरी उल्टा बोल दिया, ए इंटरसेक्शन के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी ए बी डी सभी एलिमेंट है ना ए बी डी, तो ये जो छोटा सेट है ए इंटरसेक्शन बी वो हमेशा सबसेट होगा ए का। ऐसे ही जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट होगा बी सेट का भी, ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट बी के अंदर भी होंगे। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं मन चाहे कोई भी, सभी के अंदर यही सेम होगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा ए सेट का और बी सेट का। क्यों होगा, क्योंकि ए सेट और बी सेट में से ही कॉमन एलिमेंट थे वही इंटरसेक्शन वाले होते हैं। तो ये तो थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। इसके क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब यूनियन और इंटरसेक्शन को मिलाकर दो प्रॉपर्टी बनाई गई हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, आप याद कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे हम कैसे ओपन करेंगे, इंटरसेक्शन अलग अलग आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ बीच में यूनियन हो जाएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लिखना है बी के साथ, और बीच में साइन किसका आ जाएगा यूनियन का, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ये वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पे x प्लस वाई होता है, यहाँ पे कुछ और थ्री मल्टीपल होता है तो क्या आ जाता है 3x प्लस में 3y। तो ऐसे यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है,
और यहाँ पे क्या है, यूनियन है तो बीच में यूनियन आ गया, बस सेम चीज़ वही है, इजी सी है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यूनियन है और यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। तो पहले ए यूनियन बी लिख देंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन बीच में है तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, फिर क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा, ए यूनियन सी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे कैसे ओपन होती हैं। अब आगे देखते हैं डिसजॉइंट सेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट होते हैं, देखिए डिसजॉइंट सेट के अंदर जैसे हमने पहले पढ़ा था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट से कॉमन एलिमेंट आते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। डिसजॉइंट सेट के अंदर अगर कोई भी दो सेट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो दोनों सेट क्या कहलाएंगे, हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ए एंड बी, अगर कोई भी दो सेट हैं ए और बी, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ। अगर दोनों के अंदर कोई भी सेम एलिमेंट ना हो तो ए और बी क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे ए सेट में ले लेता हूं ए बी सी डी, और बी सेट में ले लेता हूं ई एफ जी, ई एफ जी एच। तो ये देखिए दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। पहले हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी अभी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर कभी भी फाई के इक्वल आ जाता है तो वो दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। इंटरसेक्शन के से ही निकल के बना है, अगर कॉमन एलिमेंट हो जाए तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं हो नहीं आए तो डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई के इक्वल लिखा मिल जाए तो ए और बी दोनों सेट कौन से सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, कॉमन पॉइंट ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर अगर मैं कॉमन पॉइंट पूछ लूँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, जैसे एक सर्कल ये हो गया इस सेंटर को मानकर और इसी सेंटर को मानकर दूसरा सर्कल ये हो गया, तो इन दोनों सर्कल के ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा। तो इस सर्कल के ऊपर ऐसे ये पॉइंट होंगे, उस इस सर्कल्स के ऊपर ये पॉइंट होंगे, दोनों के अंदर कोई भी सेम कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट तो ऐसे होता है ये जो दो लाइन कट करके ये कॉमन पॉइंट होगा, तो ये क्या होंगे, दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अगर मैं इस सर्कल को ए लूँ इस सर्कल को बी तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब आगे है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो अगर कोई भी ए सेट है उसका हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट, तो उसका सिंबल होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हम लिख देंगे। इसे हम क्या रीड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, या इसे कई बार रीड करते हैं ए नोट। ए नोट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है लेकिन ए सेट के अंदर नहीं है। अगर हमें लिखना पड़ जाए ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X is such that X belongs to universal, but X does not belongs to A. मतलब अगर A complement के अंदर जो भी element होंगे, A complement कोई भी set निकल के आएगा उसके अंदर जो भी element होंगे वो universal set के होंगे लेकिन A set के नहीं होंगे। किसी भी चीज़ को आसानी से समझने का तरीका होता है example। Example मैं आपको देता हूँ, देखिए universal set हमने ले लिया ए बी सी डी, और ए सेट हमने ले लिया ए बी डी। अब हमसे पूछा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे लेकिन ए के अंदर नहीं होंगे। तो देखिए ए के वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं वो देखिए A, B, D। आप डेफिनेशन से देख सकते हैं X जो भी एलिमेंट होगा यूनिवर्सल से तो बिलोंग करेगा, A से बिलोंग नहीं करेगा। तो A के जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल के अंदर वो देख लीजिए A, B, D, A, B, D। A को कट कर दीजिए, B को कट कर दीजिए, D को कट कर दीजिए, A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, C। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर
जो भी एलिमेंट है हमारे ए के, उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। सीधी सी बात, हमें क्या लिखना है, ए को छोड़कर सभी एलिमेंट लिख देने हैं। जो भी एलिमेंट ए सेट के अंदर होंगे उनको हटाकर बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हमें लिख देने हैं, वही क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की, जैसे डी मॉर्गन थ्योरम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो देखते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए सेट का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें तो क्या आएगा। ये हमने एग्जांपल जो पहले लिया था वही सेम एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी और ए सेट है ए बी डी। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकल के आ गया था, सी सेट निकल के आ गया था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सेट होता है जिसके अंदर ए को छोड़कर सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं। ए सेट के जो भी एलिमेंट हैं उनको छोड़कर यूनिवर्सल के अंदर जो बच गए वो लिखे जाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा सी निकल के आ गया था। अब यूनियन क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दोनों के एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, हमारा यूनियन कैसे करते हैं, ए बी डी इसके एलिमेंट हैं और ए कॉम्प्लीमेंट के क्या हैं, सी ए के एलिमेंट है। तो ए बी डी सी, ए बी सी डी या ए बी डी सी एक ही बात है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो हमेशा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो बताइए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, साथ साथ में आपके यूनियन और इंटरसेक्शन भी रिवाइज हो रहे हैं। ये इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट देखिए, ए के अंदर ए बी डी है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर सी है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर ना हो तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई। अगर कभी भी दो सेट का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ जाए तो वो सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब पीछे का पूरा रिवाइज आपका हो गया सिर्फ एक एग्जांपल के अंदर। अब अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लेने लग जाएं तो क्या होगा, फाई मतलब खाली सेट, नल सेट, फाई ये होता है इसका सिंबल खाली सेट का। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेने लग जाएं तो क्या होगा, खाली जो एक भी एलिमेंट खाली सेट को छोड़कर यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट, यही होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए को छोड़कर यूनिवर्सल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे, मतलब एक एलिमेंट बचा था उसी लिख दिया। अब ये तो खाली है, खाली है तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे तो एक ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल के इक्वल आ जाएगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल। इसी तरीके से यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें तो सभी एलिमेंट हमें हटाने पड़ेंगे, सभी एलिमेंट काटने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, तो सिर्फ खाली सेट बचेगा हमारा, फाई बचेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट मैं दो बार ले लेता हूँ, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट मैं दो बार ले लेता हूँ तो क्या होगा, पहले तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो सी आ गया। अब एक बार फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो क्या होगा, सी को छोड़कर यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट, सी को काट देंगे तो यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट कितने हैं, ए बी डी। और ये तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई फिर से। इसका मतलब अगर किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आ जाएगा, वही सेट निकल के आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आ जाएगा, वही सेट दोबारा से निकल के आ जाएगा। ये थी प्रॉपर्टीज कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। अब एक है डी मॉर्गन थ्योरम, वो भी आप याद रखेंगे, वो भी मैं जल्दी से आपको लिखा देता हूँ। डी मॉर्गन थ्योरम आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, वो भी सिंपल से आगे इसका प्रूफ भी आएगा। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लिखना है तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में। इसी तरीके से अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर लेना पड़ जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट अलग, बी कॉम्प्लीमेंट अलग। इस बार क्या है, यूनियन है, तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। यही है डी मॉर्गन थ्योरम। आगे इसका प्रूफ भी आएगा, वो भी करा देंगे। फिलहाल के लिए आप थ्योरम को
याद रख ले, कॉम्प्लीमेंट के अंदर थी तो ये मैंने आपको बता दी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा, बस जो बीच वाला साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब फिफ्थ ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस करते हैं, वैसे ही डिफरेंस ऑफ सेट सेट्स के अंदर भी है। माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस ऑफ सेट। जैसे कोई भी दो सेट हैं, ए डिफरेंस बी अगर हमें लिखना है, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, तो डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, इसे हम क्या बोल लेंगे, ए डिफरेंस बी। और ए माइनस बी क्या होता है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसी डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, x अगर कोई भी एलिमेंट आएगा a माइनस बी के अंदर, तो वो a से तो बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा। तो एग्जांपल हम समझते हैं, a सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 और b सेट हमने ले लिया 2 4 7 9। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें लिखना है a माइनस बी, तो a माइनस बी हमें क्या लिखना है, a x a से तो बिलोंग करेगा, मतलब a के सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन b का एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है। तो a माइनस बी क्या होगा, a के सभी एलिमेंट और b का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो b के एलिमेंट 2 4 7 9, b का कोई एलिमेंट a के अंदर है 2 और 4, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब b का कोई एलिमेंट नहीं लिखना और a के सभी एलिमेंट लिखने हैं 1 और 3, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। 2 और 4 b के अंदर थे इसलिए हमने a माइनस बी के अंदर नहीं लिखे, x बिलोंग्स टू a, x सिर्फ और सिर्फ a से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग नहीं करेगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन है तो उसे हम डिलीट कर देंगे, उसे हम कैंसिल आउट करा देंगे a और b के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। अगर इसी तरीके से मैं b माइनस a लिखने लग जाऊँ तो क्या होगा, b माइनस a क्या हो जाएगा हमारे पास, b माइनस a इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x b से तो बिलोंग करेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। तो b माइनस a, फिर से b के सभी एलिमेंट लिख लें लेकिन a का एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है। तो a के 2 और 4 b के अंदर हैं, तो 2 और 4 को कैंसिल आउट करा देंगे और b के बाकी सभी एलिमेंट हम लिख देंगे 7 और 9। तो ये है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट a और b के अंदर। a माइनस बी में हमें क्या लिखना है, a के वो एलिमेंट जो सिर्फ a के अंदर ही हैं, b वाले कोई भी एलिमेंट नहीं लिखने, और b माइनस a b के वो एलिमेंट जो हमारे पास a के अंदर नहीं है। a माइनस बी a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है, a के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो b के अंदर नहीं है, 1 और 3, b के अंदर नहीं है ना, तो 1 और 3 लिख दिए। इसी तरीके से b माइनस a में क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है, b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है, 7 और 9 a के अंदर नहीं थे, तो b माइनस a में 7 और 9 आ गए। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन ले लूँ, इन दोनों सेट का यूनियन ले लूँ, a माइनस b यूनियन b माइनस a, इसे मैं बोलता हूँ a डेल b। क्या बोलता हूँ, a डेल b, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हमें लेना तो ये फॉर्मूला होगा a माइनस b यूनियन b माइनस a, इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। ये जो डेल वाला सिंबल होता है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है। तो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सभी ऑपरेशन हमने कंप्लीट कर लिए। हम इंटरसेक्शन से स्टार्ट की थी, हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, सॉरी यूनियन से स्टार्ट किया था, यूनियन हमने पढ़ा, यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी, एग्जांपल पढ़े, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, एग्जांपल, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन की कंबाइन प्रॉपर्टी थी वो पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट, फिर क्या पढ़ा था हमने
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ा, डिफरेंस ऑफ सेट। और डिफरेंस ऑफ सेट से क्या निकल के आया, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल बी। यूनियन क्या होता था, यूनियन होता है कंबाइन, अगर हम कर दे दो सेट के एलिमेंट को तो वो यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन दो सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। और डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, वो सेट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, अगर कोई भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल के अंदर नहीं है। यूनिवर्सल के अंदर जो, अगर हमने एक कॉम्प्लीमेंट लिखा था तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा था, जो ए के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट लिखे थे। ऐसे ही हमने क्या पढ़ा उसके बाद, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा। डिफरेंस ऑफ सेट में हमने क्या पढ़ा, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या था, ए माइनस बी एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिर्फ ए के एलिमेंट लिखने, बी का कोई एलिमेंट नहीं लिखना। अगर बी का कोई एलिमेंट ए के अंदर है बी, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, वो होगा हमारा ए माइनस बी। ऐसे ही हमारा बी माइनस ए होगा, और इससे निकल के आया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए का हम यूनियन कर देंगे तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए इसके और अच्छे से याद कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट इसी बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आपको ये बेसिक आता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।